आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, यह हिंदू धर्म के नाम पर कैसा फर्जीवाड़ा हो रहा है इस देश के अंदर। 657.07 करोड़ रुपया खाता में आया, 122.70 करोड़ ही मात्र खर्च हुआ। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी और अश्विनी चौबे से यह जानना चाहते हैं कि कोविड के काल के बाद क्या लोग बीमार नहीं पड़े, क्या प्राकृतिक आपदा नहीं आया? नहीं अगर आया तो इस राशि को अपनी तिजोरी में क्यों रखे हुए हो? जैसे बजरंगबली का गदा लगा खटाखट, तब बीमारी का श्राप पड़ेगा आप लोग को। बीमार जो परिवार, गरीब परिवार का श्राप मोदी शाह की सरकार को मिलेगा, मोदी इकोनॉमिक्स। इसीलिए खोल के बोल रहे हैं कि 7,249 करोड़ रुपया बच गया, ये बचा क्यों बचा रह गया? पीएम केयर फंड की राशि क्यों बची रह गई? और जब 21-22 में इसमें 2120 करोड़ रुपया आया पीएम केयर फंड में रखा हुआ है, तो सूद कमाने के लिए आपको दिए हैं? इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई जो लोग सहायता करते हैं, ये राशि आप क्यों अपने खाते के अंदर रखे हुए हैं? कहते हैं आरटीआई के अंतर्गत नहीं आएगा, तो अदानी को ही 20,000 करोड़ में सीसी में शेयर दिए थे क्या? स्वस्थ भारत, योग करो स्वस्थ रहोगे। आई हॉस्पिटल, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मात्र 4 अस्पताल को बिहार के सूचीबद्ध इन लोगों ने किया। मैं आज सनातन धर्म के पाखंडियों का, हिंदू धर्म के ठेकेदारों का, उनके फर्जीवाड़ा का उद्भेदन करूंगा। चूंकि बिहार से इसका गहरा संबंध है, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री माननीय अश्विनी चौबे जी, जिनका राजनीति का प्रवचन चलते रहता है, और केंद्रीय मंत्री मनसुख पांड्या जी, दोनों हिंदू, कड़ा हिंदू, सनातनी हिंदू। अब प्याज लहसुन वाले हैं कि हम नहीं जानते हैं। मैं जरा इनका आज कलई खोलता हूं, क्या इस देश के अंदर में हालात बना के इन लोगों ने रख दिया है। चूंकि ये गौरतलब है कि हिंदू भी बीमार पड़ते होंगे, सनातनी भी, जो चंदन टिक्का लगाते हैं वो भी, जो नहीं लगाते हैं वो भी। हिंदुओं का तो ये कितने बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा है ये लोग, मैं आज इसका उद्भेदन कर रहा हूं। प्रधानमंत्री राहत कोष, राष्ट्रीय राहत कोष है, लोग सहायता में राशि देते हैं, मुख्यमंत्री रिलीफ फंड उसमें भी लोग राशि देते हैं। जरा निकाल के देख लीजिए पारदर्शिता किसको कहते हैं। ऐ सनातन धर्म के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले लोग, बताओ, यह है मुख्यमंत्री रिलीफ फंड, 100 रुपया कोई देता है वो भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। 100 रुपये की राशि अनुराग नाम का लड़का ऑनलाइन करता है, 10/5/2023 को यह अभी लिखा हुआ है। 500 रुपया की राशि वो अभी लिखा रहता है। आप मीडिया के साथ ही जरा बताइए पीएम रिलीफ फंड का वेबसाइट पर कहां पर है, कितनी राशि किसने दिया, इसका कोई ब्यौरा नहीं रहता है। अरे कम से कम उसी में लिख देते सनातन धर्म वाला ही है, जोगी जी वाला, मोहम्मद बोध वाले इतने हैं, सैव संप्रदाय के इतने हैं, अगर हिंदू के पैरोकार आप हैं तब। एक तुलना मैंने बताया, अब देखिए क्या खेल हो रहा है देश के अंदर में। जब यूपीए की सरकार थी इस देश के अंदर में, तो 2012-13 में 211.42 करोड़ रुपया आया सहायता में, खर्च हुआ 85.90%। है मोदी, पटना जिला का जितना आबादी है ना उतने बड़ा जापान का है, वहीं पर पैर छुपा रहे हैं। जितना पटना जिला का आबादी उतने जापान का आबादी है। जरा इनका देखिए हिसाब, और देश यह जानना चाहता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी,
यह हिंदू धर्म के नाम पर कैसा फर्जीवाड़ा हो रहा है इस देश के अंदर। 657.07 करोड़ रुपया खाता में आया, 122.70 करोड़ ही मात्र खर्च हुआ। 18.67% यूपीए की सरकार के समय 85.90, 2021-22 आमदनी आया सहयोग का 805.38 और खर्च हुआ 175.89, 21.48%। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी और अश्विनी चौबे से यह जानना चाहते हैं कि कोविड के काल के बाद क्या लोग बीमार नहीं पड़े, क्या प्राकृतिक आपदा नहीं आया? नहीं, अगर आया तो इस राशि को अपनी तिजोरी में क्यों रखे हुए हो? क्यों नहीं आम लोगों को दिया आपने? यह जानना चाहती है देश की जनता और बिहार की जनता। अब एगो पीएम केयर फंड बनाए हैं, जरा देखिए इनका हिसाब। कहते कि इसका हिसाब ही नहीं देंगे, काहे भाई पब्लिक अथॉरिटी है, आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता है, तो जनता के अधिकार के अंतर्गत आता है ना। जैसे बजरंगबली का गदा लगा खटाखट, तब बीमारी का श्राप पड़ेगा आप लोग को। बीमार जो परिवार, गरीब परिवार का श्राप मोदी साहब की सरकार को मिलेगा। हम यह जानना चाहते हैं मोदी केयर फंड में, जब इसकी स्थापना मार्च 2020 में हुआ तो 10,990 करोड़ रुपया और खर्च हुआ मात्र 3,976 करोड़। अब ब्याज कमा लिया उससे, रोगी तड़प करके गरीब लोग अपने इलाज के बिना जीवन की चुनौतियों से जूझते हुए उनके परिवार गुजर जाते हैं, और आपने कितना बड़ा गुनाह किया उससे कमाई किया कितना पे 235 करोड़। अब कुल बची राशि, ये सबको चक्रवर्ती का अंगणित नहीं आता है, सबको मोदी मैथमेटिक्स पढ़ता है, सब मोदी इकोनॉमिक्स, इसीलिए खोल के बोल रहे हैं कि 7,249 करोड़ रुपया बच गया। ये बचा क्यों बचा रह गया? पीएम केयर फंड की राशि क्यों बची रह गई? और जब 21-22 में इसमें 2120 करोड़ रुपया आया, आज के तिथि में मार्च 2022 तक जो डेटा कहता है 5,416 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में रखा हुआ है। तो सूद कमाने के लिए आपको दिए हैं? इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई जो लोग सहायता करते हैं, ये राशि आप क्यों अपने खाते के अंदर रखे हुए हैं? कहते आरटीआई के अंतर्गत नहीं आएगा, तो अदानी को ही 20,000 करोड़ में सीसी में शेयर दिए थे क्या? पीएम केयर फंड वाला। और यह जानना चाहते हैं हम आपके माध्यम से, अब देखिए क्या क्या फर्जीवाड़ा करता है। स्वस्थ भारत, योग करो स्वस्थ रहोगे, आई हॉस्पिटल, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मात्र 4 अस्पताल को बिहार के सूचीबद्ध इन लोगों ने किया। डॉक्टर रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल पटना, हार्ट हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड पटना, जीवक हार्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पटना, महावीर कैंसर संस्थान पटना, जो माननीय सांसद अपने क्षेत्र के लोगों के लिए अनुशंसा करते हैं कि अगर किसी को इलाज में प्रधानमंत्री राहत कोष से ये पैसा मिलेगा तो मुख्य अभी डॉक्टर साहब। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।